वेलकम टू माय चैनल लुक ब्यूटीफुल विद रीमा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये करवा चौथ स्पेशल मेकअप लुक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस मेकअप लुक को देखने के लिए देन कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले मैं करूँगी अपना आई मेकअप। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन का सुप्रा पैलेट। इसमें से मैं FS22 कंसीलर शेड लेकर अपनी आईलेट को अच्छे से कंसील कर लूँगी। हमें अपनी आईलेट को कंसील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी जो आईलेट होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे फेस से पिगमेंटेड होती है। तक आप अपनी आईलेट को कंसील नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी आई शेडो का एक्चुअल कलर नहीं मिलेगा। एंड देन आपको उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये फॉरएवर 52 का आई शेडो पैलेट। इसमें से ये बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड लेकर मैं इसे अपना ट्रांजिशन शेड बनाऊंगी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है एंड देन उसे लगाना है, अच्छे से ब्लेंड कर ले। फिर मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये पेंसिल ब्रश एंड देन उसी पैलेट में से मैं डार्क ब्राउन प्लस डार्क मरूनिश जो शेड है उसे दोनों को मिक्स करके अपना क्रीज लाइन ड्रॉ करूँगी एंड सेम उसी प्रोडक्ट को अपने आउटर वी पे प्लेस करूँगी। आज मैं आपको सिंपल सी हाफ कट क्रीज आई मेकअप दिखाने वाली हूँ। देन बिग फ्लफी ब्रश लेकर अपने जो भी हार्श लाइन्स हुई हैं उन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड देन सेम उसी कंसीलर को लेकर अपने कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने कंसीलर को अपने सेंटर में लगाएं एंड देन सामने देखें तो आपको जो आपकी क्रीज लाइन है वो मिल जाएगी एंड देन अपनी क्रीज लाइन ड्रॉ कर लें एंड देन बिग फ्लफी ब्रश लेकर अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लें ताकि कोई भी क्रीजिंग की प्रॉब्लम ना हो। एंड देन अगेन अपना पेंसिल ब्रश लेकर जो भी कंसीलर लगाने के बाद हार्श लाइन क्रिएट हुई उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें एंड थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट अपने आउटर वी पे प्लेस करें एंड देन बिग फ्लफी ब्रश लेकर अगेन उसे ब्लेंडिंग करें। आई मेकअप अगर आपको आप चाहते हैं कि आपका आई मेकअप बहुत अच्छा दिखे तो उसके लिए आपको ब्लेंडिंग बिल्कुल और बिल्कुल करनी ही करनी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन ब्लेंडिंग होनी चाहिए। एंड देन मैं अपना यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्टार के पिगमेंट्स। अगर आपके पास पिगमेंट्स के लिए ग्लू नहीं है तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना कोई भी सेटिंग स्प्रे अपने ट्रे पे लें एंड देन अपने ब्रश के ऊपर पहले अपना सेटिंग स्प्रे लगाएं एंड पिगमेंट्स लेकर अपने आईलेट पे लगा लें। ट्रस्ट मी गाइस, आपके बहुत अच्छे से पिगमेंट्स लग जाते हैं एंड बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता। तो ये कुछ इस तरीके से एंड देन अगेन अपना ब्रश लेकर जो भी हार्श लाइन क्रिएट होती हैं कुछ भी लगाने के बाद उसे हमेशा ब्लेंड करें ही करें। तो ब्लेंडिंग जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप होगा। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का जेल लाइनर। मैं यहाँ पर आज थोड़ा सा थिक लाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ, पिंक थिक लाइनर कुछ इस तरीके से। तो लो जी, हमारा हो गया आई मेकअप। थोड़ा सा पेंडिंग है वो हम लास्ट में करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना फेस मेकअप। फेस मेकअप करने से पहले हमारे को अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि कोई भी अगर फॉल आउट हुआ है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। मैं वेट वाइप्स के साथ अपना फेस अच्छे से क्लीन कर ली हूँ एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का एरेगन फेशियल ऑयल विद गोल्ड लीफ। ये फेशियल ऑयल बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई, विटामिन बी, गोल्ड लीफ विच हेजल एरेगन ऑयल जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज प्लस हाइड्रेटिंग करके रखता है एंड इसे ही मैं सेम अपने लिप्स पे भी अप्लाई करूँगी। एंड इसे लगाने के बाद आपको 5 मिनट का गैप रखना है ताकि हमारी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। एंड देन मैं जब तक ये हमारी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व होता तब तक मैं अपनी आईब्रोज बना लूँगी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो फिलर एंड अपनी आईब्रोज को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लें। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है कि कैसे आप अपनी आईब्रोज को बिल्कुल प्रॉपरली ड्रॉ एंड डिफाइन कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख लेना। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ये मिस क्लेयर का प्राइमर। ये प्राइमर बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारे पोर्स को बहुत अच्छे से लॉक कर देता है एंड हमारे मेकअप को बहुत ही लॉन्ग लास्ट बनाता है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ एले गर्ल का पीच करेक्टर। जहाँ जहाँ भी मुझे हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ मैं अपना कंसीलर लगा लूँगी, जैसे कि अंडर आइज़ में, माउथ के अराउंड, नोज़ के अराउंड, फोरहेड पे, जहाँ जहाँ भी मुझे हल्की फुल्की पिगमेंटेशन होगी वहाँ वहाँ मैं अपना कंसीलर लगा लूँगी एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। पूरे फेस पे नहीं लेके जाना है, जहाँ जहाँ बस जहाँ पे आपने कंसीलर लगाया है वहीं पे उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें।
एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये PSC का फाउंडेशन। आज मैं ड्यूई ग्लॉसी सा मेकअप करने वाली हूँ, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्रायलॉन का इल्यूमिनेटर। मैं उसे अपने फाउंडेशन के साथ मिक्स करूँगी एंड उसे अच्छे से मिक्स करके अपने फुल फेस पे लगा लें। और वैसे भी करवा चौथ तो नाइट टाइम में ही सेलिब्रेट किया जाता है, नाइट टाइम में ग्लॉसी मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है कि जब हमारा फेस बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, सबकी नज़र हम पे जा रही है और कितने सारे लोग तो कॉम्प्लीमेंट भी कर देते हैं कि आपने अपने फेस पे क्या लगाया है कि आपका फेस इतना शाइन कर रहा है। मुझे तो पर्सनली ग्लॉसी मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे कमेंट्स में बताना कि किस किस को ग्लॉसी मेकअप बहुत अच्छा लगता है। सो आप देख रहे हैं कि मेरे फेस पे कितना ग्लो आ गया है, बहुत बहुत ज़्यादा शाइनी सा लग रहा है मेरा फेस। एंड अपनी नेक पे भी अपना फाउंडेशन लगाएं, अदरवाइज आपका फेस अलग और आपकी नेक अलग दिखेगी। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर बार का कंसीलर, इससे मैं अपनी अंडर आइज को कंसील कर लूँगी। जस्ट मैं अपनी अंडर आइज पे ही लगाऊंगी अपने कंसीलर को और कहीं पे भी नहीं लगाऊंगी। एंड देन कंसीलर लगाकर उसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ ब्लेंड करना है, बिल्कुल सॉफ्टली ब्लेंड करना है। एंड देन अगेन मैं अपने क्रायलॉन की सुप्रा पैलेट में से V21 कॉन्टोर लेकर अपने फेस को कॉन्टोरिंग कर लूँगी, अपने चिक बोन्स, फोरहेड, जॉ लाइन, नोज, यहाँ सब पे कॉन्टोर करूँगी। एंड ये अपना कॉन्टोर ब्रश के साथ उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ ब्लेंड करना है, ज़्यादा हार्श नहीं होना है, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा फाउंडेशन जो जो भी कुछ आपने लगाया है वो सब कुछ ब्रश के साथ ही निकल जाएगा। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ FS22, इससे मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। जहाँ मैं अपने फेस को कॉन्टोर किया अपने चिक बोन्स और अपने जॉ लाइन के बिटवीन, अपनी नोज पे अपने आईज के इनर प्लस आउटर पे थोड़ा अपनी आईज को लिफ्टेड दिखाने के लिए एंड अपने फोरहेड पे के सेंटर में अपनी ब्राउ बोन्स को शार्प दिखाने के लिए। एंड देन इसे ब्लेंड कर लूंगी बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम की तरफ से के प्ले का कॉम्पैक्ट, इससे मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। एंड देन अगेन मैं अपने फेस पे कॉन्टोर करूँगी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का कॉन्टोर इन द शेड वुडी वॉन्डर। पहले मैंने क्रीम कॉन्टोर किया था, अब मैं करूँगी अपने फेस पे पाउडर कॉन्टोर। मैं चाहती हूँ कि मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगे एंड मेरा जो मेकअप है वो काफ़ी लॉन्ग लास्ट भी रहे। एंड मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट, इसमें से मैं पीचेस ब्लश पिंक जो ब्लशर है वो लेकर अपने फेस को ब्लश करूँगी। मैं बिल्कुल नेचुरल ब्लश रखूँगी, मुझे पर्सनली ज़्यादा हैवी ब्लश बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल नेचुरल ब्लशिंग करना पसंद करती हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से अपना ब्लश करूँगी। एंड अब आ जाते हैं अपनी आईज के ऊपर। यहाँ मैं अपनी जो वाटर लाइन है उसे स्मज कर रही हूँ, सेम जो मैंने अपना डार्क ब्राउन प्लस डार्क मरून शेड लिया था उन दोनों को मिक्स करके मैं अपनी वाटर लाइन को स्मज करूँगी। एंड देन माई ग्लैम की तरफ से वाइट काजल जो है उसे अपने वाटर लाइन पे ड्रॉ कर लूँगी।
व्हाइट काजल से हमारी आईज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओपन अप लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे व्हाइट काजल लगाना। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का इल्यूमिनेटिंग सेटिंग स्प्रे। इस सेटिंग स्प्रे में हल्का सा शाइन है, इसे लगाने से आपके फेस पे एक शाइन आ जाती है। तो मुझे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे ग्लॉसी मेकअप बहुत पसंद है, तो इसलिए एंड देन अपने सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसे डैब डैब करके सेट कर लूँगी। एंड मैं यूज़ कर लूँगी यहाँ पर ये स्लाइलाइस की फॉल्सेस। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ शुगर की लिक्विड मैट लिपस्टिक्स इन द शेड नंबर 52। ये कुछ मरूनिश काइंड ऑफ कलर है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कलर है और ये मेरे साड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। एंड देन मैं अपना सेम वो रेवोल्यूशन का ब्लश जो पैलेट था उसमें एक हाइलाइटर था, उससे ही मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी, अपने चिक बोन्स पे, अपने नोज़ पे, जहाँ जहाँ भी आप हाइलाइटिंग करना पसंद करते हैं वहाँ वहाँ आप अपने फेस के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर लें, अपनी इनर आइज पे, अपने ब्राउ बोन्स पे। सो गाइज आई एम रेडी, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे फाइनल लुक के साथ। होप कि आपके मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंड मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ।